ये बाजी हैं, हमारी बहन हैं, पेशावर से आई हैं, बेवा खातून हैं और इनका एक ही बेटा है, यतीम बच्चा है। कोई एजाज जहांगीर नामी शख्स है जो शारून कॉलोनी का रहायशी है, उसने इनसे 8.5 लाख रुपया प्लाट की मद में 3 साल पहले का लिया हुआ है और अभी इनको चक्कर पे चक्कर लगा रहा है। ना तो कोई प्लाट है और ना ही इनको पैसे वापस कर रहा है। अपने भतीजे के साथ उसने इनको चेक भी दिया हुआ है 8.5 लाख रुपये का। तो अभी तक जो है वो हम तो मुतालबा करते हैं एजाज जहांगीर से कि वो मेरे ख्याल में अपने नाम के साथ पास्टर भी लगाते हैं, मैं तो इतना नहीं जानता हूँ, तो बराए मेहरबानी इनके पैसे वापस दिलवाए जाएं। हम CPO रावलपिंडी साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे, SHO थाना मोरगा से भी रिक्वेस्ट करेंगे, बल्कि बाकायदा तौर पर दरख्वास्त भी देंगे अभी के इनका जो हक है बेवा खातून का वो इनको वापस दिलवाया जाए। जी बाजी आप बताएं असल मामला क्या है। ये 2019 में मैंने इनसे प्लाट लिया था और इनके घर में बैठ के मैंने शारून का कॉलोनी में ये 2 लाख रुपये इनको मैंने नेक्स्ट दिए थे। फिर इन्होंने मुझे कहा कि बाकी इसके बाद आपने इंस्टॉलमेंट भिजवानी है। फिर मैंने इनको 4 लाख रुपया बैंक के थ्रू उधर पेशावर से भिजवाया। फिर इसके बाद इसका ये भतीजा है शहराज, ये मेरे पास उधर आया है, इसने 50,000 फिर मेरे से लिया। लेकिन उसके बाद इन्होंने मुझे ना तो घर के कोई रजिस्ट्री बना के उधर की दी, ना कोई चीज़। जब मैं रजिस्ट्री के लिए कहती थी तो ये लोग टाल मटोल कर देते थे, आज करके देते हैं कल करके देंगे। फिर इन्होंने इसी तरह मैं पिंडी आती रही, 2-3 दफ़ा क्या कि मैं कितनी दफ़ा यहाँ आई हूँ, इनके पीछे घर भी गई हूँ, लेकिन अभी तक इन्होंने यही इसी तरह करते रहे। फिर मुझे कभी कहते हैं ईद के बाद हम आपको पैसे देंगे, कभी कहते हैं आज देंगे, कभी कहते हैं 2 महीनों के बाद देंगे, लेकिन इन्होंने अभी तक मुझे ना पैसे वापस किए ना कागजात कंप्लीट किए।